नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपको Plus 24/7 में। अधिक शिक्षक में जो मुख्य बिंदु निकल के आ रही है, तो उसमें किन पर सहमति बनेगी? क्या यदि नियमितीकरण होता है तो वेतनमान 70%, 80% और 90% के अनुसार दिया जाएगा? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट को जो अभी की पॉलिसी है उसके अनुसार इसी तरह के पेमेंट दिए जाते हैं। क्या होगा नियमितीकरण में मुद्दा, किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो एक सबसे बड़ी जो मुख्य बिंदु निकल के आ रही है कि यदि सर नियमितीकरण होता है और परमानेंट होगा तो सभी सरकारी सुविधाएं जो एक गवर्नमेंट टीचर को मिलता है, क्या वही सारी सुविधाएं एक गेस्ट टीचर यदि वो गवर्नमेंट में परमानेंट होते हैं तो क्या उन्हें मिलेगी? तो उनमें सैलरी क्या रहेगी? उनमें सैलरी चूंकि रहता है 70%, 80% और 90% अभी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। लेकिन यदि उनको एक और दूसरा बिंदु जो चलता है कि डबल वेतनमान, ठीक है, यानी कि उसको यदि जो अभी तक था कि वर्ग तीन वालों को 5,000, वर्ग दो वालों को 7,000 और वर्ग एक वालों को 9,000, जो बढ़ा करके यदि डबल वेतनमान होता है तो वो हो जाएगा 10,000, 5,000 से 10,000 और 7,000 से 14,000 और 9,000 से 18,000। एक ये जो चल रहा है। दूसरा कि क्या उन अति शिक्षकों का नियमितीकरण होगा जो ऑलरेडी 3 साल, 5 साल या 7 साल से लगातार विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, या कि जो अभी फ्रेशर ज्वाइनिंग हुए उनके बारे में क्या बात बनेगी, क्या बिंदु होगा, क्या क्राइटेरिया से मतलब पास होता है गवर्नमेंट कैबिनेट के द्वारा? तीसरी एक और बिंदु है कि क्या सर वही सिर्फ नियमित होंगे जो लगातार गेस्ट में काम कर रहे हैं, अदरवाइज यदि कोई किसी कारणवश छूट गए हैं तो वो भी गेस्ट में परमानेंट होंगे, उनके लिए क्या नियम बनेगा? फिर एक और बिंदु निकल के आ रहा है कि सर जो बीएड डीएड नहीं किए हैं उनके लिए क्या होगा, या कि जिनका बीएड डीएड रनिंग है उनका क्या होगा? तो इन सब मैटरों पर, बिंदुओं पर हालांकि क्या विचार होगी और क्या सहमति बनेगी, ये एक देखने वाली विषय है। लेकिन उसके पहले अति शिक्षक संघ के द्वारा बिंदु लिया गया था, उसमें यह था कि 62 वर्ष का कार्यकाल और 12 महीने का वेतनमान, जिसमें छुट्टियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। तो फिलहाल सभी मैटर पर विस्तार से ध्यान देना होगा कि आगे चलकर क्या होता है अति शिक्षकों का, किन मुद्दों पर सहमति बनती है। क्योंकि अभी बहुत दिनों से तो ये था कि कोई भी गवर्नमेंट अति शिक्षकों को मैटर सुनता ही नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके बारे में बोलना स्टार्ट किए और वो लगातार अति शिक्षक के भाई बंधु भी बहुत जगह जाते हैं और अपने समस्याओं को रखते हैं, उसी तरह से उनको भी आश्वासन मिलते जा रहा है हर जगह से। लेकिन यही सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि क्या यदि नियमितीकरण होता है तो उसी तरह से समस्त शासकीय सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे जैसे एक शासकीय शिक्षक को मिलता है, जिसमें शुरुआती वेतन 70%, 80% और 90% होता है। तो क्या होगा ये एक बहुत बड़ा मतलब जिज्ञासा का विषय है कि महापंचायत कब बुलाई जाएगी, क्योंकि महापंचायत में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं देर हो रहा है, क्योंकि आशा उषा से पहले महापंचायत बुलाने को बोला गया था अति शिक्षकों को, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। फिलहाल ये सुनने को मिला है 25 तारीख या 27 तारीख में किसी भी दिन को फिक्स हो सकता है, लेकिन ये देखते हैं। जो भी होगा उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी सर्वप्रथम आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। इसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।